अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो आज व्लॉग बनाने की एक बहुत बड़ी वजह है जो हमने आज व्लॉग बनाना है, मतलब हमने क्यों व्लॉग बना रहे हैं। हाँ जी, आज खास वजह ये है कि आज अम्मी जान का जो है वो बर्थडे है और अभी अभी हम लोग जो है वो तो जी अम्मी का बर्थडे है। हाँ जी, अहमद ड्राइव कर रहे हैं तो पहला मैं कंटिन्यू कर देती हूँ। हम दोनों जो हैं वो अभी ऑफिस से निकले हैं अम्मी का बर्थडे, क्योंकि अब फ्राइडे था तो ऑफिस और छुट्टी तो कर नहीं सकते ना, तो हमने अभी केक ले लिया है। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ा मसला ये होता है कि हम बाहर से केक नहीं ले सकते क्योंकि उसके अंदर होता है जिलाटिन, और वो जिलाटिन होता है एनिमल प्रोडक्ट्स का, एनिमल प्रोडक्ट्स हलाल होते नहीं है, तो हम वो केक नहीं ले सकते। तो हमने बहुत ढूंढ ढूंढ के एक केक लिया है, उसके ऊपर थोड़े से मैं अभी डेकोर करूँगी, और हमने साथ में ले लिया है पार्टी पिज्ज़ा। तो हम पहले खाना खाएंगे इतने में, फिर मैं केक तैयार करूँगी, खाने के बाद फिर हम केक कटिंग करेंगे। और अम्मी के लिए हमने क्या लिया है अमर? और अम्मी के लिए हमने खूबसूरत सा बुके लिया है, उनके लिए हमने बुके दिया है, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था अम्मी को क्या दें, मतलब कि समझ नहीं आता अम्मी को क्या दें। अम्मी को अम्मी जो बोलेंगी वो ले देंगे अम्मी को। हाँ, मतलब कि जब अम्मी जब जो बोलेंगी हम उनको वो ले देंगे। तो अभी हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम अम्मी के लिए क्या लें, तो इसलिए फिर हमने जो है वो अभी फ़िलहाल बुके लिया है, तो दिला देंगे उनकी पसंद का, उनकी मर्ज़ी का। वो मे भी जाते हुए उनको कुछ क्रॉकरी अच्छी लगती है तो जाते हुए उनको क्रॉकरी दिला देंगे, तो शी विल बी हैप्पी, है ना। फिर घर पे मिलते हैं, चलते हैं। ओहो, ठंड बहुत ज्यादा हो गई है, माइनस में टेम्परेचर चला गया है, आज -4 का फील था। तो बस हम अभी घर जा रहे हैं, हमारा पिज्जा रखा हुआ है डिग्गी में और वो गरम गरम है, कहीं ठंडा ना हो जाए, जल्दी से जाएं, जल्दी से खाना वाना खाएंगे। मुश्तबा भी इंतजार कर रहा होगा हमारा, वो भी 2 दिन से घर पे ही है, दादा दादी के साथ खेल रहा है। तो दिखाते हैं आपको थोड़ा बहुत कि आजकल क्या चल रहा है घर में। स्टे ट्यून। ये देखें, हम पिज्जा लेके आए हैं और अम्मा अब्बा जो है ना वो बैठ के चनों के साथ जो है ना वो खाना, उन्होंने खाना शुरू कर दिया, और ये हम जो है ना पिज्जा लेकर आए हैं। इतना बड़ा पिज्जा मैं लेकर आया हूँ आज के, सही से खाएंगे बैठ के। ये देखें जरा पिज्जा देखें, बड़ा वाला पिज्जा। वाओ मुश्तबा, वाओ। अभी खाना खाते हैं जी, पिज्जे को खाते हैं और फिर उसके बाद अम्मी की जो है केक कटिंग सेरेमनी करवाते हैं। क्या कह रही हो? 1 महीना हो गया अम्मी अब्बू को यहाँ आए हुए, और इन्होंने हमेशा इंतजार किया, 6:30 बजे भी आए और इंतजार किया खाने का। और आज आज हमने बर्थडे के लिए पिज्जा लेके आए सरप्राइज देने के लिए, आज खाना खा बैठे। ये रहा मुश्तबा, सबको बोला हेलो, अस्सलामु अलैकुम। हमारे यूट्यूब चैनल को मुंह से, हाथ मुंह से निकालो, बोलो हमारे यूट्यूब चैनल को, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया, और व्लॉग पूरा देखें। अम्मी ने आज ही समझना था कि हम लेट आएंगे, थैंक यू, भूखे अभी जल्द हम जो है ना फटाफट ऑफिस से वापसी में हम जो है ना यही काम करके आए हैं, और सुबह हम जाएंगे इंशाल्लाह नीदरलैंड्स, रोटरडाम। वो मेरा जो हमारे यहाँ पे रहते थे ना, वो लिंगन में हमारे एक फ्रेंड थे यहाँ पे, तो वो उनके घर जाएंगे। अच्छा, वो जिनकी बात कर रहे थे। हाँ भी आए हैं। हाँ जी बिल्कुल, चले शुरू करें ना, खाएं, खाते क्यों नहीं। अम्मी सुबह अहमद जी क्या हुआ आज? उल्टा हमारे साथ सरप्राइज हो गया, हमारे साथ सरप्राइज हो गया, अम्मी को सरप्राइज देते देते खुद सरप्राइज ले लिया, हमने खुद ही सरप्राइज ले लिया। चलो क्या कर सकते। अच्छा, तुम्हारे बाबा थोड़ी थोड़ी देर में कह रहे थे, क्या कह रहे हैं? मुस्तफा जूबी तुम जल्दी आओ, मुस्तफा के साथ लगे हुए थे, मैं समझ गई शायद जूबी ने फोन किया है, वो आ रही है। तो जब बाबा बोला, दो दफा बोला ना जूबी जल्दी आओ, कहती है, कहता अहमद मुझे नहीं पता था मैं। अच्छा, मैं भी ऐसे बैठी हुई थी, मैंने कहा चल यार ऐसा करती हूँ, जूबी कह रही थी कि वो बनाना है सब्जी की रोटी बनाएंगे ना आलू वाली। मैंने अहमद को यही बताया कि मैं अम्मी को कल बोलकर आई थी, मैं कल अम्मी को बोलकर आई थी चले तो हम आज पराठे बनाएंगे खाने पे जी। तो इस वजह से फिर मैंने कहा, तो मैंने कहा पराठे तो ज्यादा ताजे ताजे ही बनते, तो अम्मी थोड़ी ना बना के रखेंगी, मैंने आपको ये बोला। मैंने नहीं बनाए ना पराठे तो, लेकिन ये थोड़ी पता था चने खा रहे हो, जुगाड़ लगा के कल वाले छोले ही खा देंगी। दरअसल मुझे छोले इतने अच्छे बने हुए थे,
कि मेरा उसमें रोटी भिगो के खाने को दिल चाह रहा था। और छोले इसलिए अच्छे बने हुए थे क्योंकि अम्मी ने खुद बनाए थे। नहीं, मिर्ची ज्यादा थी इसलिए। मिर्ची ना खुद बनाए से मुराद यही है ना कि अपनी मर्जी। बनाने से मुराद यही है कि उसमें अम्मी ने अपनी तरफ से कुटी हुई मिर्ची ये काड़ का लगा के लाल मिर्च डाल के ना भला हमारी सीसी निकल जाती है उसमें। लेकिन चमकते हुए बनाए थे उसमें, चमकते हुए। हम कैसे बताएं कि आपको चावलों के साथ मजा आया था या नहीं आया था? हाँ बच, अब मामा को अम्मी को हैप्पी बर्थडे करो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू, थैंक यू। मुश्ताबा आप भी तो विश करो, हैप्पी बर्थडे बोलो। हैप्पी बर्थडे अम्मी। चलो चलो चलो, है हैप्पी बर्थडे टू यू। पीछे करके, पीछे करके, नहीं यहाँ से ऐसे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। टिक टिक टिंग टिक टिंग टिक टिक टिंग, मोये मोरे मोये मोरे हो मोये मोरे मोये मोरे ओ मोये मोरे मोये मोरे मोये मोरे मोये मोरे मोये मोरे। दोबारा मत गिर जाना। ये है जनाब केक, अभी हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे। प्रिपरेशन ये हमारी खूबसूरत सी किधर गई तेरा से कैंडल है। नहीं मुझे नहीं लगती ये, आई एम नॉट आर्टिस्ट। क्या गोल करके खाने का? पहले इसको प्रैक्टिस कर लो इधर किस तरीके से निकलेगी। प्रैक्टिस करूं? प्लेट दोनों गायब थी, कितनी क्रीम। क्रीम नहीं है, करो इस पे। मामा टोलो, ये देखो। हां सिंपल है, सिंपल है। चलो ठीक है, अभी रुको पापा कर रहे हैं, इधर देखो। अभी मैं इसको पूरा पूरा ऐसा करके बना दूं ना। चलो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेप भी बना दो तो चलेगा। ये क्या कर रहे हो, इतना गंदा लग रहा है यार। अब तुम ना मेरी वो ना करो बेइज्जती। हाँ मैं ऐसे कर देता हूँ, ये लो। एग्जैक्टली ये बुरा नहीं लग रहा। एक मिनट रुको, हम ये लगाएंगे दादू के केक के ऊपर। अपने एक काम करो, न्यू यू करके निकाल सकते हो साइडों से, न्यू करके ऐसे निकाल। अच्छा ऐसे, हाँ हाँ ऐसे करना है, गोल गोल ज्यादा जोर से। हाँ ज्यादा बड़ा लंबा नहीं, छोटा है, उसको काटो। अरे बाबा रुक जाओ, लाओ मैं करूँ। हाँ यूं करके बोला था, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन। परफेक्ट, अब हमें पता चल गया। अभी नहीं खोलना, इधर आओ दादू के केक पे लगाएंगे। ओ, तभी टेढ़ी हो रही थी। एक मिनट, कोई दादू का केक, दादू का केक स्टाइल कर दे। उधर भी जो गंदा हुआ है उस पे भी सही करो। इधर बीच में भी, पीछे भी कर दूं थोड़ा गैप दे के या फिर अब इस पे देखो, ये खोल के लगाएंगे इधर। वाओ अब अच्छा लग रहा है ना। ये देखो दादू का केक क्या बनाया पापा ने। वाओ बोलो पापा, वाओ। मैं भी जो है वो आर्टिस्ट बन गया हूं। किसको केक बनवाना है मुझसे भाइयों? बीच में ही रख दो भाइयों, मुझसे केक किसको बनवाना है भाइयों? क्या भाइयों, मुझसे किसको केक बनवाना है भाइयों? तुम केक आर्टिस्ट हो? मैं केक आर्टिस्ट बन चुका हूं भाइयों। लगाओ ये देखो, मोये 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 होर चाहिदा मैनू। होर कित्थे आ, ये आ गया भाई। अभी यहाँ लगाते हैं बीच में बेटा, बहुत सारी लगाते हैं बीच में, कैंडल लगानी है। ओके पापा लगाते हैं। एक मिनट मैं खोलता हूँ मेरा बेटा, सब है मेरा बेटा। बस बस हाँ ना, कैंडल लगानी है अभी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मुश्ताबा, मुश्ताबा लगाएगा वरना वो फिर तंग करेगा। तुम इसको एक आध लगवा देना। अभी मैंने सफाई करी है, हटाओ कचरे को। एक मुश्ताबा को दो ताकि वो चुप होकर बैठ जाए।
मुझे दे दो चॉकलेट है ये चॉकलेट चॉकलेट है ये खाओगे तो पता चलेगा ना पंगी ये जनाब जो है ना केक जो है मैंने डेकोरेट कर दिया ओहो हो इतना प्यारा केक लग रहा है भाई वाह 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 चलो मुस्तफा हैप्पी बर्थडे हो रही है किसकी हैप्पी बर्थडे मुस्तफा बताओ किसकी हैप्पी बर्थडे बताओ किसकी हैप्पी बर्थडे बताओ दादो की हैप्पी बर्थडे मुस्तफा किसकी हैप्पी बर्थडे दादो की है दादो आपकी तो आने वाली है अभी अम्मी जी प्यारी लग रही हैं आप कलर कलर बहुत प्यारा लग रहा है बैठे मम्मा को खिला रही है दोबारा तो जनाब आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड अम्मी की सालगिरह बड़ी अच्छी से हमने जो है वो सेलिब्रेट किया बहुत मजा आया जी बस हम थोड़ा बहुत ही कर सके जितना कर सकते थे और इंशाल्लाह जो है वो हम जो है ना वक्तन वक्तन जो है व्लॉग लाते रहेंगे टाइम नहीं मिल पाता हमें अम्मी गवाएंगे हमारे पास टाइम नहीं होता अभी तो आए हैं थोड़ी देर टाइम नहीं होता बच्चों के पास तो टाइम इंशाल्लाह मिलेगा तो हम है ना वक्तन इंशाल्लाह नया व्लॉग आएगा मुश्तबा की बर्थडे का इंशाल्लाह तो वो हम आपसे शेयर करेंगे हो सकता है बीच में थोड़ा बहुत एक दो व्लॉग और आ जाए लेकिन बहुत जल्द हम जो है ना व्लॉग अपलोड करेंगे नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और हमारे व्लॉग का इंतजार करें और व्लॉग का इंतजार करें तब तक मिलेंगे तब तक मिलेंगे हम आपसे अपने अगले व्लॉग में अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़